फाइनली कपड़े धुल गए, सुखा रहा हूँ अब मैं यहाँ से ना, मतलब ये जो लोअर बैक होती है भाई, गजब की दर्द हो रही है, गजब। तो इनके पास चलते हैं भाई, तबीयत खराब हो रही है, सर चक्कर आ रहे हैं थोड़ थोड़े थोड़े, लेकिन फिर भी आया हूँ। गुड मॉर्निंग भाई सबको, अभी आया हूँ मैं यहाँ पे घूमने। तो इस स्कूल को देख के भाई स्कूल वाले दिन याद आ गए, पेरेंट्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है। वैसे हमने तो जितना मेरे को याद है ना, वो हॉस्टल के अंदर लाइफ याद है स्कूल वाली। तो इनको लगेगा, इन बच्चों को, कि ये सबसे बुरा टाइम है, लेकिन इनको कोई समझा नहीं सकता कि ये वाला टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। धूप आ गई यार, मतलब हम थोड़ा लेट आए हैं ना, इसलिए कल से थोड़ा जल्दी आएंगे। ये देखो भाई सबसे बढ़िया चीज़, तिरंगा अपना, जय हो। आ गए हम पार्क से बाहर, यहाँ पे नारियल पानी, एक नारियल पानी पी लेते हैं भाई, एक दिन यार। भाई वहाँ पे घूम रहा था ना उस टाइम, तो इतना पता चला नहीं मेरे को कि भाई शरीर में इतनी पेन होगा। भाई यार किचन बंद पड़ी है, भूख लग गई है, भाई भी आ गए, मैं भी आ गया। तो भाई हम तो खा रहे हैं बीट रूट, एक दो दिन खाऊंगा, एक दो दिन ज्ञान दूंगा, उसके बाद मैं वापस फास्ट फूड खाऊंगा। यार हॉस्टल लाइफ ना सच में बहुत मुश्किल है यार, मतलब लड़कों की तो जिंदगी में यार, मतलब मैं भाई कपड़े धो रहा हूँ, सर्फ डाला है, गर्म पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, सर्फ के अंदर छोड़ देंगे, ज़्यादा वैसे तो धुलते नहीं है, लोअर टी शर्ट ही है, समझ रहे हो कितनी मुश्किलात होती है। भाई इस एरिए से हम दोनों का पुराना नाता है, बाल देख कैसे हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, आप हमारे देख लो। ओ भाई होगी 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 भाई, तो ना देखो एक ताऊ, ओए अब हाथ करते हो, देखो रुक रुक जाओ, ओए इधर से आ गई, ओए इधर नहीं रुकने वाले, अबे अबे चल 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 निकलते हैं भाई, अबे निकलेंगे 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 भाई निकलेंगे, अबे रुक 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 भाई, हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे भाई, रुक जा यार, देख हाथ दे के निकल गए ना। बिंगिया रुको, बिंगिया बिंगिया बिंगिया, चला 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 भाई जो हॉस्टल में रहते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, उनके लिए कपड़े धोए थे और भाई अब इनका पानी निकाल के आया हूँ, भूल गया इनको सुखाना, अब कल दोबारा से पानी के अंदर से निकालूंगा करूंगा, फिर वापस सुखाऊंगा भाई, वरना बदबू आएगी, यही दिक्कत होती है, इसीलिए मैं कपड़े नहीं धोता यार। 8 बज गए और अभी हम जाएंगे बाहर खेलने के लिए, भाई मूंछें बड़ी हो रही है, कटवानी है, लेकिन यार ये है ना कि मेरे को बड़ा आलस आता है मूंछें, मतलब ना ही बढ़े, एक जैसे सेट हो गए वहीं पड़ी रहे, सही है भाई क्यों बढ़ जाती है यार चौथे पाँचवें दिन, भयंकर दर्द भयंकर समझ से, और ऐसा लग रहा है जैसे सिर का ये इससे ऊपर वाला हिस्सा ना एक बार काट के अलग रख दो, जब सही हो जाए तब लगा दो, तो आज आँखें लाल तो नहीं हुई पर ना आँखें लाल हो जाती है। इधर अपनी हो रही है वीडियो एडिट, आ भाई कपड़े वाला भी यार मतलब चोट हो गई यार, मतलब दोपहर में थे अभी 2-3 घंटे भिगोऊंगा फिर मतलब सुखा दूंगा, भूल ही गया। तो भाई मैं आ गया इधर खेलने, खेल रहे हैं तो इनके पास चलते हैं भाई, तबीयत खराब हो रही है, सर चक्कर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फिर भी आया हूँ कि भाई ऐसे रूम में तो ना यार, मतलब कब तक रुकूंगा, मतलब 3 दिन तो हो गया रूम के अंदर, अभी तो मतलब बाहर निकलना ही पड़ेगा, मतलब बनता है बाहर निकलना। ये देखो रिपिया कौन भेजा पा भाई, भाई भाई के साथ मेटर हो गया, चलो वो नहीं बताएंगे, इधर खेल रहे हैं प्रो प्लेयर्स खेल रहे हैं, भाई तू छोड़ दे डम दे दे, मैं खेलना ला रहा है या नहीं, यार लग गई कौन यार है, वीडियो बना दी भाई, जो आ रहा को नहीं हां है, जो जीतता को बिंगो बटन ले लियो, जो आ रहा को बिंगो जीतता को, जो एक ओए गिने रख एक एक होया दोनों का। तो भाई मैं और ये भाई कमेंट्री कर रहे हैं, उधर एक भाई और पीछे बैठा है, भाई यार मेरी वीडियो बन गई यार देख लो यार, डबल क्रॉस कर गया बंदा, चार हो गया बिंगा, यार ये ज्यादा मोटर तो कौन लगू मैं,
फिट सो लगो जिको आरसीबी चला तो भाई एक तरफा जीत हो रही है भाई 7-2 ये कमेंट्री वाले भैया शक्ल दिखाइए आप नाइट आउट पे गए थे वही है ना ये दूसरे बाइक पे कैसा लगा भाई दुआ और के नी पार वीडियो बनाई पड़ी है मेरे को दिखा दूंगा मैं सर्विस अरे पार दोबारा कर अपॉइंट कर ले ओके सर्विस की है सर्विस देख रहा हूं भाई जी मैं कराऊंगा मेरी बारी नहीं सो गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हैं आप सब मजे हाँ उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे तो भाई कल हमारा कट गया भाई तगड़े वाला एक फ्लाइंग मिस्ट है वो बोलता है कि जैसे कट गया प्रो लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर लग रहा है 40-50% शेयर मेरे अकेले के भाई बहुत कटता है आज पता है क्या कल बताता हूँ कल जैसे मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि कपड़े धोए हैं मैंने तो भाई मैं कपड़े धो के चला गया बाहर ना ऐसा था कि 2-3 घंटे बाद आऊँगा धूप है कब बढ़िया सुखाऊँगा करूँगा सूख जाएंगे लेकिन नहीं भाई हम तो भूल गए और कपड़े रह गए गीले फिर पानी तो निकाल दिया था मैंने अब भाई आया हूँ मैं जींस पहन के घूमने के लिए कभी देखा जींस पहन के कौन कोई घूमने जाता हुआ किसी को नहीं देखा मेरे को देख लो सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं स्कूल एक चीज़ देखो इस कार के ना यहाँ पे लिखा हुआ है माँ भाई क्या बात है आज तक पहली बार मैंने किसी कार के ऊपर किसी को ऐसे लिखते हुए देखा है भाई जहाँ तक मुझे आइडिया है ये इन्होंने तो लिखा नहीं है ये लिखा है किसी ने आते जाते जो यहाँ पे हॉस्टल में आया मतलब ऐसी हरकतें हैं ना हरकतें बिल्कुल अच्छी चीज़ है मतलब वही लिखते हैं जो मतलब बाहर आते हैं जिनका दिल नहीं लगता बाहर आने के बाद फिर उनको घर की याद आती है मम्मी की याद आती है तो भाई एक्सरसाइज करके रूम में आ गए भाई पूरा चेहरा पसीने पसीन हो गया पर कोई बात नहीं यार ये टोपी तो पता नहीं ऐसे क्यों मेरे को ऐसे हटाई नहीं जाती आजकल और वैसे एक जुगाड़ दिखाता हूँ आपको है भाई जिम तो जा नहीं सकते और वैसे एक्सरसाइज होती नहीं है हमने बेंच प्रेस बना लिया इसको मतलब बेंच बना लिया देखो यहाँ पे साइड में आ जाते हैं शोल्डर भाई तकड़ा जुगाड़ है ना मतलब मेरे पास कोई रखने के लिए चीज़ नहीं है वरना मैं दिखाता एक सेकंड है मेरे पास मैं दिखाता हूँ भाई मैं कैसे करता हूँ ये एक्सरसाइज मतलब भाई मेन चीज़ है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए भाई करना है भाई पता हो ना तो बाकी सब काम अपने आप हो जाते हैं हो सकता है बहुत सारे जो मतलब लड़के जो जिम करते हैं उनको मतलब उन्होंने ऐसे ट्राई किया हो देसी अपना बनाया हो बहुत सारे बनाते भी है पर भाई ऐसे तो भाई अब मैं दिखाता हूँ वैसे तो मैं गाने सुनता रहता हूँ मतलब शायद अब तो इस माइक में से तो आवाज ही आएगी क्योंकि तो भाई काफी टाइम हो गया छोटे को एकदम उस शेप में आएगी बिल्कुल बॉडी ये कर लिया ना दिस इज द बेस्ट वे डंबल बहुत भारी है ओह ये अपना देसी जुगाड़ एक्सरसाइज करने के बताना मत किसी को ठीक है तो भाई बहुत हो गया एक्सरसाइज अब कपड़े वॉश करने चलते हैं भाई समझ नहीं आता यार मम्मी यहाँ घर पे कपड़े कैसे वॉश करती है मतलब जो भी कपड़े वॉश करते हैं भाई बहुत मुश्किल है मैं तो पिछले 2-3 सालों में मतलब शायद दूसरी तीसरी बारी कर रहा हूँ यार मेरी बैंड बजी पड़ी है यार मतलब भाई इतना मुश्किल होता है ना कपड़े वॉश करो मतलब मैंने तो मतलब कुछ ज़्यादा ऐसे रगड़ना वगड़ना नहीं है सिर्फ कल सर्फ डाला था पानी डाला कपड़े भिगोए छोड़ दिए आज इनको थोड़ा थोड़ा धप 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 करके बस निचोड़ के यहाँ सुखा रहा हूँ फाइनली कपड़े धुल गए सुखा रहा हूँ अब मैं भी बहुत बढ़िया एक और दो तार लगेगी मेरे कपड़ों के लिए इतना मुश्किल होता है ना यार मतलब कमर दर्द होने लगी भयंकर वाले यहाँ से ना मतलब ये जो लोअर बैक होती है भाई गजब की दर्द हो रही है गजब
ऐसे मतलब होता है ना बार बार नीचे हो उसको ऐसे ऐसे करो फिर निकालो फिर निचोड़ो फिर वापस, तो मतलब पता नहीं कैसे होते हैं, मतलब मैं तो दो तीन बार ऐसे सही पानी में से निकालो निचोड़ो फिर नया पानी डालो ऐसे करता हूँ। यार कपड़े धोना इज़ अ टास्क मैन, बैंड बज गया मेरे को तो। ठीक है भाई, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मतलब जो है ना उसमें जो लेडीज़ है, मियाँ है, दादी है, बहन है, किसी की वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, भाई उन सबको सल्यूट है यार। जो मतलब दूसरों के कपड़े धोते हैं यहाँ पे, खुद के कपड़े नहीं धुल रहे यार। कुछ और कपड़े पड़े थे, सोचा वो भी वॉश कर दूँ। इधर ना भाई लोग फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, दिल तो मेरा भी बहुत है पर भाई नहीं खा सकता। सो भाई अपने बढ़िया नहा लिए, तेल वगैरह लगाना बाकी है, लेकिन उससे पहले मेरे को एक काम याद आ गया कि मेरे जो कपड़े जो मैंने और भिगोए थे उनको वॉश कर देता हूँ। भाई इतना मुश्किल आज का ना, मेरा पूरा का पूरा दिन कपड़े धोने में निकल गया और मेरी बैग की तो ऐसी की तैसी होगी। शाम होगी भाई, खाना खाने आए हैं, आज बने राजमा चावल। अभी टाइम है खाने का तो मैं थोड़ा पहले आ गया क्योंकि भाई राजमा की सब्जी फेवरेट है ना। सब्जी देखने के बाद भाई रुका नहीं जाता। तो भाई अभी मैं आया हुआ था बाहर, मेरे को मीडिया मोड सही करवाना है गोप्रो का, वो ख़राब हो रखा है और भाई समस्या है, दिक्कत ये है कि मोदी जी आ रहे हैं, JLN मार्ग को पूरा बंद कर रखा है, क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं आज जयपुर के अंदर 25 जनवरी पूरा ना, मतलब यार आगे रास्ता बंद कर दिया, मेरे को उस सड़क के उस साइड जाना है, कैसे जाना, कोई घूम के आना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी हूँ गणपति प्लाजा के अंदर, यहाँ फोन्स की दुकानें हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार कहीं सही हो जाए बस प्लीज़, पर ना बहुत पैसा लगेगा।